नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का ऑक्शन करीब है और इस बार तैयारियां बेमिसाल है। सभी 10 टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। इस बार सभी टीमों को कुल 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प था। इसमें 5 कैप और 1 अनकैप खिलाड़ी शामिल हैं। कुल मिलाकर 10 टीमों ने 46 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। अब बारी है उन सितारों की जो अपने नए घर की तलाश में है। क्या आप तैयार है जानने के लिए उन 5 खिलाड़ियों के नाम जो इस बार के ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। लिस्ट में 5वें नंबर पर है मिचेल स्टार्क। जाहिर है आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में स्टार्क पर सबसे महंगी बोली लगी थी और वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने थे, लेकिन इस बार उनकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया। भले ही केकेआर ने स्टार्क को रिटेन नहीं किया हो, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि वो एक बार फिर खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। 4थे नंबर पर है केकेआर को आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जिताने वाले श्रेयस अय्यर। जाहिर है अय्यर को केकेआर ने आईपीएल 2025 के लिए रिटेन नहीं किया है। हालांकि केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने इशारों में कहा कि केकेआर से अलग होना अय्यर का खुद का फैसला था, जिसके चलते फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया। अब बात जो भी हो, अय्यर आपको एक बार फिर ऑक्शन में दिखने वाले हैं और क्योंकि वो एक सफल कप्तान रहे हैं तो कई टीमें उन पर बोली लगा सकती है और इस प्रकार से वो एक महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा महंगे बिकने का एक कारण ये भी है कि अय्यर काफी हार्ड हिटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। तीसरे स्थान पर आईपीएल 2024 के एक और कप्तान हैं और वो हैं केएल राहुल। राहुल को भी उनकी फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए रिटेन नहीं किया। उनके बल्ले से हर बार रन निकलते हैं और उनके पास अनुभव भी है। राहुल की क्लास और फॉर्म उन्हें एक महंगा खिलाड़ी बना सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी आरसीबी में लौट सकते हैं। हालांकि आरसीबी के लिए यह सौदा कभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि राहुल पर कई और टीमों की भी नजरें हैं। दूसरे नंबर पर है सैम करन। इंग्लैंड के इस धाकड़ ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में लगातार अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया है। करण बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग सभी में टॉप क्लास हैं। सभी टीमें उन्हें अपनी स्क्वाड में शामिल करने के लिए भारी बोली लगाने के लिए तैयार रहेंगी। सैम करन आईपीएल 2024 तक पंजाब किंग्स में थे। अब देखना यह है कि आईपीएल 2025 के लिए कौन सी टीम उन्हें भारी कीमत चुकाकर अपनी टीम के साथ जोड़ती है। अब पहले नंबर पर है ऋषभ पंत। जाहिर है दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान से नाता तोड़ लिया है, यानी पंत को आईपीएल 2025 के लिए रिटेन नहीं किया है। अब जब पंत ऑक्शन में आएंगे तो इस बात के खूब सारे चांसेस हैं कि उन पर अच्छे खासे पैसे लगाए जाएं। पंत टॉप क्लास बैटर, शानदार विकेट कीपर के साथ साथ एक अच्छे लीडर भी हैं। इसलिए जिन टीमों को कप्तान की जरूरत है, वे पंत के लिए ऑक्शन में दाव जरूर खेल सकती है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि पंजाब किंग्स पंत को खरीद सकती है, क्योंकि उनके पर्स में काफी सारे पैसे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 खिलाड़ी जो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि इन खिलाड़ियों पर ऊंची बोली लगने वाली है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।